अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाज़रीन अब नजर डालते हैं तफसील। भैंसा शहर में पिछले तीन दिनों से मुसलसिल बारिश के बाद आज जुमा के दिन थोड़ा सा आसमान साफ नज़र आया। जैसे आसमान साफ हुआ और भैंसा गडाना वागू बांध की आबे सतह में कमी वाक़ हुई, बांध के दरवाज़ों को बंद करके पानी को रोक दिया गया। बस क्या था, गरीब ताजिर जो आटो नगर में अपने कारोबार करते हैं, अपने दुकानात की हालात को देखने के लिए दौड़ते हुए चले, मानो जैसे कोई कैद खाने से कैदी छूटता है। और जब जाकर देखा तो इनके दुकानात बेबस लाचार नज़र आए। दुकानात में पड़ा सामान अपने मालिक को देख देख कर चीख चीख कर अपनी तकलीफ को बयान कर रहा था। चलिए बताते हैं कि आखिर दुकानात के साथ हुआ क्या है। ये देखिए, ये छोटी ब्रिज के बाजू में मौजूद लकड़ी का आरा मशीन है। देखिए इस दुकान की क्या हालत है, पूरी की पूरी बिखर गई है, पूरा टीन शेड टूट गया है और मशीन में रखा हुआ 5 लाख की लकड़ी पानी में बहकर चले गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मशीन मालिक कह रहे हैं। चलिए सुनिए मशीन मालिक क्या कह रहे हैं। 5 लाख का नुकसान हो गया, पूरा टीना के ऊपर से पानी है, पूरा फुल मैदान हो गया, अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखना चले गए, कुछ भी नहीं मिला। मान 1 लाख का था, कम से कम मान सही था, पूरा गोल मान था, पूरा मुताबला जो भी गवर्नमेंट दी गई वो तो करिए। चलिए अब और थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हालात है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये दुकान एलियो वेल्डिंग दुकान है। इस दुकान के मालिक अंसार खान है। दुकान मालिक से पूछने पर दुकान मालिक ने बताया कि बहुत सारे बरखी आलात में पानी दाखिल होने से कीमती मशीनें ख़राब हो गई। चलिए अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी एलियो वेल्डिंग दुकान है, इसके मालिक अब्दुल लतीफ है। ये देखिए इस दुकान में भी अनखरीब 5 लाख से ज़ायद मशीन की ख़राबी हुई है। चलिए दुकान मालिक की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि हुआ क्या है। पूरा डूब गया, पूरा टोटल डूब गया, बचाने के लिए ऊपर रखे थे मशीन, पानी में चले। कितना नुकसान है? हाथ तक रहने की वजह से हम ऊपर रखे तो वो भी चले गए, फर्स्ट तालाब तो पानी लगा ऊपर जाए, इसके लिए ज़रा हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो दे, ज़रा कुछ भारी नुकसान हुआ। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं अकामत स्कूल। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, जिसको देखने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे। देखिए तस्वीर अकामत स्कूल व जूनियर कॉलेज की है। इस इमारत में अनखरीब 600 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करते बल्कि वो यहीं पर ही रहते हैं। आपने सुना एलियो दुकान मालिक ने क्या कहा। इन्होंने बताया कि 15 फीट तक पानी दुकान में आ गया था। इन्होंने बताया 15 फीट पानी बताया। अकामत स्कूल की इमारत एलियो के थोड़ी सी दूरी पर है, यानी कहा जाए तो बगल में बच्चा और घर पूरा ढंडोरा, ये वाली कहावत के इतने ही करीब है। तो सोचिए इस इमारत में कितना पानी जमा होता होगा। इस तरह इस इमारत में पानी दाखिल होना कोई ख़तरे से खाली नहीं है। चलिए छोड़िए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जब पानी को डैम से छोड़ा जाता है तो आटो नगर का क्या हाल होता है। ये देखिए, जब डैम का पानी छोड़ा जाता है तो आटो नगर का क्या हाल होता होगा। पूरा आटो नगर एक दूसरा डैम नजर आता है। पानी की रफ्तार कितनी होती होगी, ये बड़े बड़े गिरे हुए खंभे इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। ये देखिए, वो तो भला हो इन महकमे बरखी वालों का, वो सुबह उठकर बरखी लाइन चालू करने में लग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी की रफ्तार से ब्रिज की जानिब में लगा हुआ स्टोन भी टूट गया और देखिए बड़े बड़े दरख्त का क्या हाल हुआ। ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए आपने तमाम हालात को देखा, तमाम पानी को देखा और आटो नगर का क्या हाल हुआ होगा वो भी देखा, और आटो नगर में आने वाले दिनों में क्या हाल होता होगा वो भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा चुके हैं। खैर छोड़िए, अब हम अहम मुद्दे की तरफ आते हैं। ये कोई नया नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इसका क्या हल है। इस हल को तलाश करने की जिम्मेदारी मुकामी कायदीन और आला अहदेदारान का है। ग्लोबल एक्सप्रेस की जानिब से बस यही कहना चाहेंगे कि इस इलाके के छोटे ताजिर जिनकी 2 वक्त की रोटी छीन गई है, हुकूमत उनकी रोटी को वापस करें। चलिए ग्लोबल एक्सप्रेस में आज इतना ही, फिर अवाम के दिगर मसाइल के साथ फिर आपके दरमियान में हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।